अपने आगे पीछे पता है क्या है? ये देखो धूप इतनी तेज थी कि पूरा जो है इधर अंगूछा वगैरह सब लगाना पड़ा। आज सुबह की शुरुआत हो रही है गेहूं चढ़ाने से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वे न्यू ब्लॉग अपडेट सीरीज। आगे हो सकते हैं इस ब्लॉग आपको सपोर्ट हमारा विस्फोट। पता है अभी देखो भैया खाली 8:30 बजा है और 8:30 बजे की धूप का हाल देखो, ऐसा लग रहा है कि 12 बज गए। कितनी गर्मी है लेकिन पीना चाहिए। स्ट्रीम गर्मी है भाई लेकिन फिर भी नाश्ते में चाय पीना कंपलसरी है। जहाँ भी रहते हो वहाँ का टेम्परेचर कमेंट करना। कल हम मतलब इतनी गर्मी थी कल दोपहर में वही 10-11 बजे के आसपास 1.5-2 घंटे ऐसा धूप में थे और वो ऐसा मतलब इतनी गर्मी की पूरा सिर दर्द किया है कल रात तक। और कल पानी तो भाई अनलिमिटेड, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ गई ना बॉडी में तो वो सिर दर्द किया है रात तक जब तक सोए नहीं। मतलब सिर पे ऐसे तकिया रख के, सिर पे तकिया दबा के सोए हैं। लगने होते तो चारों तरफ से कूलर भी कल खराब हो गया। डिसाइड कर लिया कि बनवाने जाएंगे, टाइम लगेगा, खुद ही खोल खाल के चेक करते हैं, अगर बन गया तो ठीक, तो खैर बन गया। भाई गर्मी की हालत ये है कि मतलब पानी पियो मेन टोटी तक पहुँचता नहीं, इधर उधर से निकल जाता है। मेन टोटी मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो वैसा है मतलब इतना पसीना सब इधर उधर से निकल गया, टॉयलेट लग ही नहीं रही। सुबह के नाश्ते के बाद मेरी कुछ दवाएं चल रही हैं जिनको हमें खाना है, शायद यही सुबह की है वो कुछ भी। लेकिन आज हवा बदली है, आज पुरवैया नहीं, आज पछियाव चल रहा है कि आज पसीना निकल रहा। पुरवैया जब चलती तब एकदम भयंकर पसीना निकलता है लेकिन धूप आज भी है एकदम कड़क। भाई एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, भूकंप आया है क्या? इधर की दीवार पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी क्रैक है। अब ये प्लास्टर क्रैक है या दीवार क्रैक है पता नहीं। तो वैसे तो आलू के पराठे ठंडक में या जब बारिश हो रही है तब खाए जाते हैं, गर्मी में इतना खास खाने का मन नहीं करता। उत्तराखंड गए थे घूमने, वहाँ पे रास्ते में इतना पराठा खाया था कि उसके बाद छूट ही गया था, तब के बाद आज खा रहे हैं। अरे बाप रे, इतनी तेज धूप है। निकलने के लिए रायबरेली, भगवान की कृपा से बुलेट से नहीं जाना पड़ेगा, वैसे इतना हीट होती है, आग वाग लग गई तो और दिक्कत। फिलहाल कार से जाना है। इतनी सुविधा मिलती चली जाती उतना ही कम है। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाते थे तब दिक्कत नहीं होती थी, तब तो बाइक हो बाइक से जाए। अभी बाइक है तो बाइक में इतनी गर्मी में दिक्कत, अभी कार है तो ये है कि अब बाइक से नहीं जाना, तो फिलहाल जाएंगे तो आर वैगन से ही अपनी। गर्मी में खाली पानी और अंगूछा, ये दो ही चीज़ वरदान है। पहले हमको ऐसा लगता था कि भाई सिर पर अंगूछा ढक लेने से क्या ही राहत मिलती होगी, लेकिन अभी जब ऐसे सिर पर ढक लो ना धूप में एकदम नेक्स्ट लेवल सुकून मिल जाता है। भद्दर गंदी है भैया, भैया पूरी गाड़ी एकदम अंदर से ज्वालामुखी हो रखी है। भाई सूरज की लाइट का इफेक्ट देखो, मतलब इतना डस्ट है, ऊपर से धूल, मतलब काफी ज्यादा विंडशील्ड पे धूल है, उसके बाद ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, आगे की विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं, देख रहे हो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अभी इना क्विक में बताएं कि अभी हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं रायबरेली तक की। मम्मी बताया था ना, मम्मी वही है नानी के यहाँ, जून छुट्टी हो गई तो घूमने वूमने गई थी वो लोग, अब हम लोग नहीं जाते, मम्मी लोग जाती, तो बस उनको लेने जा रहे हैं। अभी हो गया काफी टाइम, 6-7 दिन से वही हैं। इनसे कही दो भैया थोड़ी सी ब्राइटनेस खत्म कर लें, इतनी ज्यादा गर्मी मचाए हैं क्या बताएं, इतनी गंदी है। देखिए लाइट आ रही है, अगर मोटर में थोड़ा बहुत वाटर लेवल ऊपर बचा हो, मतलब प्रेशर आ रहा हो, तो इस पे मोटर से पानी ही मार देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल नहीं उठा रही का पानी, कहे बिल्कुल पानी नहीं उठा रही। अच्छा ठीक भैया, गर्मी का असर है, मोटर ने पानी वानी उठाना बंद कर दिया है। भैया टुल्लू पंप वम पानी उठाना बंद कर दिए हैं इधर तो। अब जब तक एक दो बारिश नहीं होगी तब तक ऐसे ही एकदम चिल्लम चिल्ली वाली हालत रहेगी। अब शुक्र है कि हैंडपम्प है, हैंडपम्प से काम चल जाता है, लेकिन अगर टुल्लू के खाली वो जो मोटर के भरोसे रहना हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाए। यहाँ से निकलने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देख रहे हो आगे कितना कुछ घेरा हुआ है, गाड़ी निकालने में न रखे। तुम साफ हो यार पहले थोड़ा, इतनी गर्मी का सबसे अच्छा बढ़िया मतलब जो एक वो यू का है, ये यू का है इतना अच्छा वेंटिलेशन को लेके चला थे भैया, पूरी पीछे की कुछ रखे है क्या? हाँ रखे है। मतलब गर्मी का एक सबसे अच्छी चीज़ हमको ये लगी कि भैया देखो इतनी टाइम ट्रैफिक ही नहीं है, पूरी रोड एकदम सन्नाटा, गर्मी में चार चार खींचते चले जाओ। बाइक वालों के लिए तो बहुत नरक है, और हम थोड़ा सा ना ऐसा काहिल भी हो गए भाई, बाइक चलाने में मौत आती है थोड़ा, खासकर गर्मी में। मतलब एक एक्सक्यूज टाइप का भी खुद बना लेते हैं कि यार इतनी गर्मी है कौन चलाए। पहले चुनना था कि मोटरसाइकिल लेके दावे चले जा रहे हैं गर्मी में। और अंततः यहाँ नाका चौराहा ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन अभी भी ये बंद रहता है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा ऐसे ही बंद रहेगा, और जब ये खुल जाएगा तब थोड़ा सा आराम हो जाएगा। CNG खत्म है, CNG करा लेंगे।
4:39 हुआ है। 2 घंटे आते आते लगा, धूप इतनी तेज थी कि पूरा जो है इधर अंगूछा वगैरह सब लगाना पड़ा। अपने आगे पीछे पता है क्या है? ये देखो सूरजमुखी के फूल। अबे सूरज, हम सुने थे सूरज जिधर होता है उधर को घूम के बैठे, तुम इधर देख रहे हो। तो अभी हम आ गए मामा के घर, ये सामने मामा के घर, और खा पी के बस हम थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे हैं। ये सामने सूरजमुखी के फूल हैं। ये जब हम कुछ दिन पहले आए थे तब यहाँ पे कुछ सब्जी वब्जी लगी थी, अभी हम कुछ दिन बाद आए यहाँ पे तो इधर सूरजमुखी के पेड़ लगे हुए हैं पूरे यहाँ से वहाँ तक के। बीज ये खाए जाते हैं, इनका मतलब तेल वेल भी निकलता है इनके बीज का। इधर केला वगैरह लगा हुआ है सब। वो देखो इधर सामने जो ये लगे हुए हैं ना, ये चीकू हैं। इधर देखो आम लगी हुई है, उधर कदम वगैरह, उधर नींबू, सब लगा हुआ है इधर। 6 hours later अभी भाई ऑलमोस्ट 9:30 हो गए हैं। अभी अभी हम बिल्कुल आ गए हैं मामा के घर से वापस। अंदर AC चल रही थी, हमको लगा बाहर भी टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा सा ठंडा हो, लेकिन जैसे बाहर निकले जो भयंकर गर्म था, हालत खराब होगी। अभी बस खाना वाना खाना है, हालांकि भूख नहीं लगी, वहां से खा पी के ही आए हैं। सबसे पहले तो गाड़ी खड़ी करने जाना है, देन आफ्टर जो कुछ होगा आगे का देखेंगे। आते ही लाइट का आलम ऐसा है, जैसे ही हम यहाँ रुके आके लाइट चली गई। लाइट आना जाना इतने टाइम गर्मी में भयंकर लगा हुआ, जब जरूरत होती साले लाइट नहीं देते। चलो पहले हम बैग कर लेते हैं। यह बोलते देर नहीं, लाइट आते देर नहीं, जैसे बोला वैसे लाइट आ गई। दरवाजा भैया दरवाजा खोल रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर दे, बस निकलेंगे घर। थोड़ा सा खाली बस टाइम अब लगेगा, गाड़ी ना ठुक जाओ इधर। ओ आज पता नहीं भैया की गाड़ी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बंद कर दो बाजा। सब खाना वाना बना रहे लेबल लोग यहाँ पे, बस यहीं पे हमारी गाड़ी हो जाएगी खड़ी। फिर जो मैंने चक्री घुमाई घर 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 वही वाला हाल है। सो गई खड़ी। सुबह जल्दी आँख वैसे भी नहीं खुल पाती रात में गर्मी की वजह से, कहा कि लाइट इधर कटआउट जो हो रहा है ना, पावर कटआउट काफ़ी गंदा हो रहा, तो सुबह आँखें नहीं खुलती, जिस वजह से वॉक वगैरह सुबह हो नहीं पाती थी कि सुबह हम टाइल है कुछ एक्टिविटी करें। तो इसलिए जस्ट ना अभी खा पी के हम निकल चुके हैं, मतलब खा पी चुके हैं एकदम, और अब निकल लिए हैं वॉक के लिए। लगभग ऑलमोस्ट 3:39 वॉक करेंगे, देन आफ्टर ब्लॉक का हो जाएगा दाएं ऊपर जिसे पड़े रहे। हॉर्न हॉन्कर्स उनका सालों को बैठाल के ये करने वाला है, किनके कान में लगातार हॉर्न बजाए बैठाल के किनारे एकदम अलग, साला यहाँ से बजाते गया अभी भी बज रहा, ये भी काम नहीं कर रहा। और अभी रात होगी तो अभी ब्लॉग करते ही पे खत्म हो जाए, ब्लॉग देख रहे हो ब्लॉगर, तब तक के लिए बाय। जो पीछे वॉल पे पेंटिंग देख रहे हैं, डिज़ाइन हमने खुद सोची थी।